अगर आपको सीने में जलन हो रही है लेकिन उसके साथ अगर आपको पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, तो जागरूक रहिए, ये एसिडिटी न हो तो भी हृदय रोग हो सकता है। सेहत की बात, ये मंच उन डॉक्टर्स के लिए है जो अपनी स्पेशलिटी सामान्य जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। हम सभी डॉक्टर मित्रों को आमंत्रित करते हैं कि आइए अब आपकी स्पेशलिटी, जिस डिसीज पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी सटीक जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाइए और अपने हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं हमारे माध्यम से मरीजों तक पहुँचाए। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। नमस्ते, मैं डॉक्टर मिलिंद खर्चे, मैं यूनाइटेड सिग्मा हॉस्पिटल औरंगाबाद यहाँ पे चीफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट करके कार्यरत हूँ। आज मैं आप सब लोगों से बात करने वाला हूँ वर्ल्ड हार्ट डे के बारे में, जिसे हम जागतिक हृदय रोग दिवस भी बोलते हैं या उसे मनाते हैं। तो कोई भी दिवस या डे मनाने का कोई रीजन होता है, उसकी कोई वजह होती है। तो वर्ल्ड हार्ट डे मनाने की जो वजह है वो ये है कि हमें आम जनता के मन में या उनको हृदय रोग के बारे में जागरूक बनाना है। और ये क्यों जरूरत है, क्योंकि जब तक इसके बारे में उनमें जागरूकता नहीं आएगी, हम उसे पूरी तरह रोक नहीं पाएंगे। तो अगर सब लोग हृदय रोग के बारे में जानेंगे, उनकी वजह जानेंगे, तो हम उसे रोकने में काफी हद तक सफल हो सकते हैं। और इसी वजह से पूरी दुनिया में आज 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है, और उसी के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। तो ये हृदय रोग या हार्ट अटैक, ये क्या होता है? नॉर्मली जैसे शरीर के हर ऑर्गन को ब्लड की जरूरत होती है, वैसे हार्ट को भी ब्लड की जरूरत होती है। और हार्ट को जो खून की नलियां ब्लड पहुंचाती है, अगर उनमें अचानक से कुछ ब्लॉक आ जाता है और कोई एक एरिया का ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, तो उसे हार्ट अटैक कहते हैं। इसकी बहुत सारी वजह होती है। एक वजह आपने सुनी होगी कि कोलेस्ट्रॉल, तो ये एक वजह हुई, ब्लॉक आने का एक कारण कोलेस्ट्रॉल है। ऐसी उसकी कई कारण है, कई वजह है। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है आदतें, या जिसे हम एडिक्शन कहते हैं, और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंस मैं दूंगा तंबाकू या टोबैको। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट वजह है अपने देश में, अपनी कंट्री में, और खास करके यंग लोगों में, यूथ्स में। सो मैं सब लोगों से अपील करूंगा कि किसी भी प्रकार से तंबाकू का सेवन न करें, ये हृदय रोग को न्योता देने जैसा है। उसकी वजह से आपके हृदय रोग की रिस्क बढ़ जाती है। दूसरा कारण होता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, या जिसे हम बोलते हैं बैठी जीवन शैली, या जिसे जो एक्सरसाइज हमें होनी चाहिए, जो एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए वो हम नहीं करते हैं, उससे वजन बढ़ता है और हृदय रोग की रिस्क भी बढ़ती है। तीसरी वजह है आपको या डायबिटीज या ब्लड प्रेशर का होना भी आपके हार्ट डिसीज की रिस्क बढ़ाता है। या फिर अगर फैमिली में आपके पेरेंट्स या भाई बहन में से किसी को अगर हृदय रोग है, तो उसकी होने की आशंका ऐसे पेशेंट्स में ज्यादा होती है। तो ये कुछ वजह है, लेकिन इसमें डरने की बात नहीं। अगर आप प्रॉपरली उसकी केयर करें, उसको इन्वेस्टिगेट करें, तो हम इसको काफी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको आदतें छोड़नी होगी, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी, वेट कंट्रोल करना होगा, अगर आपको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज है तो उसे कंट्रोल में रखना होगा, और अगर आपको आपके फैमिली में हार्ट डिसीज है तो आपको रेगुलर चेकअप करना होगा। वैसे भी नॉर्मल पर्सन ने भी 40 की उम्र के बाद रेगुलर चेकअप करके आगे जो डिसीज होने की संभावना है, जो बीमारियां होने की संभावना है, उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम ये करते हैं तो काफी हद तक हम हार्ट डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं, और अगर वो होता भी है तो उसकी सीवियरिटी तो पक्का हम कम कर सकते हैं। तो इस जागतिक हृदय रोग दिवस पर मैं आप सब लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि हृदय रोग के बारे में जाने, पढ़े, अगर आपको उसमें कुछ दिक्कतें आती है तो आप जो तज्ञ डॉक्टर से उनकी सलाह लें, और अगर आपको कुछ रिस्क फैक्टर्स या जिस जैसे मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें अगर आपको दिखाई देती है तो उसको
समय पर ही टैकल करे और हृदय रोग से बचे। सर, लोगों में ये भी गलत फहमियाँ हैं कि जो एंजियोग्राफी करना डॉक्टर ने बताया तो उस टाइम में वो काफ़ी डर जाते हैं, यार कुछ पेशेंट ये बताते हैं कि अपना प्रोसीजर ही है, ऐसा उनको समझता है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखो, एंजियोग्राफी ये टेस्ट है, वो एक तपास है, वो इलाज नहीं है। एंजियोग्राफी यानी हार्ट की खून की नलियों की फोटो निकालना, तो हमें पता चलता है कि हार्ट का जो ब्लड सप्लाई है वो कैसा है और हार्ट को जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की नलियां जो ब्लड पहुंचा रही है, उनमें कोई ब्लॉकेजेस है या उसमें कुछ ऑब्स्टेकल्स है, तो हमें उसके बारे में पता चलता है। जैसे पैरालिसिस होने के बाद सिटी स्कैन करते हैं, ऐसे हार्ट की तकलीफ होने के बाद एंजियोग्राफी की जाती है, ताकि हमें ब्लड सप्लाई का पता चले और अगर वो ब्लॉकेजेस 70% या उससे ज़्यादा है तो उसे मेडिसिन के साथ में एंजियोप्लास्टी या बाईपास की जरूरत पड़ सकती है, ताकि भविष्य में हार्ट अटैक का जो खतरा है वो कम या कम रहे। सर, जैसा भी हार्ट की कोई तकलीफ होती है, एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी करना पड़ता है, इसलिए खर्चा ज़्यादा आता है, ऐसा लोगों की गैर समझ है, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे यूनाइटेड सिग्मा के बारे में? नहीं, हमारे हॉस्पिटल्स में काफ़ी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स भी है, और मेनली एंजियोप्लास्टी का जो खर्चा होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। हम एंजियोप्लास्टी जो है वो गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, काफ़ी सारे पेशेंट्स इस फैसिलिटी का उपयोग भी करते हैं। एंजियोग्राफी भी हम कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स में डिस्काउंट में या फिर उसको हम फ्री में स्कीम में कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें लेकिन पहले अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत होती है। लेकिन एंजियोप्लास्टी पूरी तरह फ्री हो जाती है, और इसलिए और ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स है काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल है, इसलिए हार्ट की तकलीफ हुई इसलिए खर्चे से डर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी काफ़ी हद तक इन सारी स्कीम्स की वजह से काफ़ी कम खर्चे में भी अभी हार्ट डिसीज़ की ट्रीटमेंट हो सकती है। सर, आज जो दिन ब दिन लोगों में गलत फहमियाँ जो हार्ट के बारे में बहुत मतलब आसान से ले लेते हैं, जैसा कुछ जलजल होती है, कुछ अपचन होता है, तो उस टाइम में खुद से दिल से गोली खाते हैं, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है। नॉर्मली जब भी सीने में जलन होती है तो अगर कोई समझता है मुझे एसिडिटी हो गई, बात सही है, एसिडिटी में सीने में जलन हो सकती है, लेकिन हार्ट डिसीज में या हृदय रोग में भी सीने में जलन हो सकती है। तो अगर आपको सीने में जलन हो रही है लेकिन उसके साथ अगर आपको पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, तो जागरूक रहिए, ये एसिडिटी न होते हुए हृदय रोग हो सकता है। अगर आपको एसिडिटी गोली लेके भी कम नहीं हो रही है या फिर आधे घंटे से ज़्यादा तक आपको सीने में जलन हो रही है, तो उसे इग्नोर मत करिए, ये हार्ट की तकलीफ हो सकती है। आपको करना क्या है, जाके आपके नज़दीक के अस्पताल में ECG निकालना है और डॉक्टर की सलाह लेनी है कि ये हार्ट से रिलेटेड तो नहीं है। अगर ECG नॉर्मल आता है तो काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि ये हार्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कोई भी सीने की जलन जो आपको ज़्यादा लगती है, परेशान करती है, साथ में पसीना आता है, घबराहट होती है, या फिर जो कुछ समय में कम नहीं होती है, वो हार्ट की तकलीफ हो सकती है, इसे उसे इग्नोर मत करें। आरोग्य जागृति।